आज दफ्तर से फिर जल्दी छुट्टी करके आओगे? कितनी छुट्टियां लोगे? दफ्तर वाले नौकरी से निकाल देंगे, फिर घर बैठ जाओगे। हम कहाँ से खाएंगे? ये जो तूने दिल को रोग लगा लिया ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? अल्लाह गारत करे तुम्हारा दिल दुखाने वाली को। यार चुप कर जाए ना, और कोई छुट्टी लेकर नहीं आया हूँ मैं दफ्तर। फील्ड पर निकला हुआ था, बॉस की कॉल आ गई, कैंसिल हो गई मीटिंग। इसके अलावा और कोई तफसील दूं या काफी है ये? कहें तो मैं चला जाता हूँ, चैन आ जाएगा फिर सबको। मेरे बच्चे, मैं डर गई थी। नौकरी कौन सा आसानी से मिलती है? पहले भी इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, वजीफे कर करके नौकरी दिलवाई है तुम्हें। मैं कौन से वजीफे हैं? इतने सारे काम कर देते, मुझे भी कोई ऐसा वजीफा बता दो कि मेरा काम हो जाए। तो उसे अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देता? अगर मुझे पता चलता ना कि वो तेरे दिल में डायन की तरह चिमट गई है, तो मैं उसे तेरे कदमों में ला फेंकती। लेकिन बेटा अब तो बहुत देर हो गई है, जाए आप यहाँ से, अकेला छोड़ दे। गलत करे इसको। थैंक गॉड वैसे आज बारिश रुक गई, वरना मुझे आज मिलना मुश्किल ही लग रहा था। हेलो तैमूर, मूड खराब मत किया करो। मैंने कितनी दफा कहा है कि एक ही दफा उसको शॉर्ट ऑफ कॉल दे दो, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी। अब जरा सी भी इज्जत नफ्स बाकी होगी ना उसमें तो समझ जाएगा। लेकिन क्या करें, उन लोगों के घर का माहौल ही ऐसा है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और ऊपर से ताई अम्मी। आई एम सो ग्लैड माई तरफ से शादी पे बस कुछ ही रिश्तेदार आ रहे। मेरे सारे कजन्स वगैरह तो बाहर ही रहते हैं, वो तो आ भी नहीं सकते। और आई स्वेयर टू गॉड वो तुम्हारे कजन्स को देखते ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो जाते। यार हम लोगों की मजबूरी है, और वैसे भी अब्बू की साइड पे सिर्फ यही लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं, और कोई तो है भी नहीं। चलो छोड़, हमें भी देखो हम किन लोगों का जिक्र लेके बैठे। अम्मी ने मुझे खास तौर पर ताकीद की थी कि मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूं। अच्छा चलो, किसी को तो मेरा ख्याल है। What do you mean? मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि हनीमून का क्या प्लान है? पहले मुझे घर तो ले जाओ, तुम भी ना। I think that's a better idea. पर तुम्हें घर लेके जाता हूँ, then we'll decide. और हाँ मुझे याद है, अपनी आंटी के लिए उनका फेवरेट केक भी लेना। ठीक है। भाभी ये शादी का कार्ड आज ही छप के आया है, मैंने सोचा सबसे पहले आपको दूँ, क्या करूँ अकेली जो। जब तुम हमें मरा हुआ समझोगी तो अकेली तो पड़ोगी ना। तुमने तो हमें इस काबिल ही नहीं समझा कि हम तुम्हारे किसी काम ही आ सकते, बस तुम और तुम्हारी बेटी। काम कुछ नहीं था भाभी, मैं तो बच्चों का इंतजार कर रही थी कि आखिर कुछ हाथ बटा देंगी बहन का। कैसे आती? हाँ कैसे आती, किसी ने झूठे मुंह उनको कहा तक नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलती मेरी है, मुझे खुद आके आपको बुलाना चाहिए था। भाभी आप नाराजगी भुला के आइएगा जरूर, हमारा आप लोगों के सिवा है ही कौन। तुमने कौन सा हमें अपना माना? तुम्हें क्या पता हम पर क्या क्या कयामत गुजर रही है। अल्लाह रहम करे भाभी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दुआ तो मेरी भी यही है, पर दुखे दिल की आह नहीं लेनी चाहिए। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो आ जा, नहीं तो बच्चों को भेज दो। जैसे आप मुनासिब समझे वैसे अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भाई अब तो तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। भाभी आज रात को ढोलकी रखी है, आप बच्चों को लेकर जरूर आइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। ढोलकी रखी है।